अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह के फॉर्म्स बना सकते हैं, बेसिक फॉर्म से लेकर एडवांस फॉर्म्स तक, और बहुत सारी कंडीशंस के साथ हर तरह का फॉर्म आप बना सकते हैं, और वो भी फ्री। किसी तरह का आपको कोई पेड प्लगइन रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक वेबसाइट है और ये हमारा जो है कॉन्टैक्ट पेज है। यहाँ पे फॉर्म जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हम अपने वेबसाइट के अंदर गए डैशबोर्ड में और प्लगइन्स के अंदर एड न्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है फॉर्मिनेटर। बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है और किसी भी तरह का फॉर्म आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। किसी तरह की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, हमारे पास ये प्लगइन जो है इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली, और यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारे पास शो हो गया। तो सिंपल मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस प्लगइन की जो सेटिंग्स और बाकी ऑप्शंस आप लोगों को शो हो जाएंगे। इस प्लगइन से ना सिर्फ आप कॉन्टैक्ट फॉर्म या किसी भी तरह के फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि आप किसी भी तरह के क्विजेज, पूल्स और इस तरह की चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सबमिशंस हैं, जितने भी सबमिशंस होंगी उस फॉर्म के जरिए वो सारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्विज, पूल और फॉर्म, यहाँ से आप इन ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इस फॉर्म को किसी भी स्पेसिफिक फॉर्म को मेलचिंप या किसी और तरह से या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना चाहें, इंटीग्रेट करना चाहें, तो उसके ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि कितने फॉर्म सबमिट हुए, कहाँ से हुए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसकी सेटिंग्स में यहाँ पे आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी, राइट। तो राइट नाउ हमारा जो गोल है वो है फॉर्म क्रिएट करना। तो हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म पे क्लिक करना है, और फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये हमें एडिटर मोड के अंदर ले जाएगा। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ प्रीमेड टेम्पलेट्स होंगे, उनको चूज कर सकते हैं, जिस स्क्रैच से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखेंगे कुछ टेम्पलेट्स हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है, न्यूज़लेटर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर ब्लैंक से क्रिएट करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाली चूज़ कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। तो इसका मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये फॉर्म क्रिएट होने के बाद हमें ले जाएगा एडिटिंग मोड के अंदर। इसके अंदर मज़ीद और फील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फील्ड को डिलीट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, या जो चीज़ें भी हम यहाँ पे करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसकी जो अपेयरेंस है, इसकी कस्टमाइजेशन हैं, किस ईमेल के ऊपर सबमिशन के बाद ये फॉर्म जाना चाहिए, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को कॉन्फ़िगर करने को मिल जाएंगी। तो इसको ज़रा लोड होने दें, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा फॉर्म जो है लोड हो चुका है। इसके ऑप्शंस यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे फील्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनको मज़ीद एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, अपेयरेंस किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए इस फॉर्म का जब आपकी वेबसाइट पे शो, कलर्स किस तरह के होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटअप करेंगे। बिहेवियर को आप सेटअप कर सकते हैं, पीडीएफ के अंदर पीडीएफ की चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। तो ये अभी प्रो फीचर है, इसको हम नहीं देखेंगे। ईमेल नोटिफिकेशन, जब भी कोई ये फॉर्म सबमिट करे तो किस ईमेल के ऊपर जाना चाहिए वो कन्फिगर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगेन और सेटिंग्स कर सकते हैं, काफ़ी सारी। तो अभी के लिए यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम कुछ और फील्ड्स में आपको एज अ डेमो ऐड करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए दो रेडियो बटन्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा लेट्स से रेडियो, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें ले दे या रेडियो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से जेंडर, और यहाँ पे ऑप्शन वन है मेल, ऑप्शन टू है फीमेल, और ऑप्शन थर्ड भी ऐड कर देते हैं नॉट स्पेसिफाइड। तो कुछ इस तरह से हमने ये ऐड कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये वाला ऑप्शन भी ऐड हो चुका है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ ऊपर की तरफ, और इसको इस तरह से सेटअप कर लूँगा। अब यहाँ पे एक्चुअली ईमेल के बाद मैं ये इसको शो करवाता हूँ, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ इस तरह से शो करवा दूँगा, और
बल्कि यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटअप कर दूंगा। तो ये हमारा एक फॉर्म बन चुका है। अब हमें इसको डिस्प्ले किस तरह से करवाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पब्लिश के अंदर। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कोड दे देगा, इस कोड को सिंपल कॉपी करना है। बाई चांस अगर आपके पास ये वाला पॉपअप ना आए या ये आप गलती से कट कर दें इस तरह से, तो अगेन ये कोड आप कहाँ से लेंगे, तो वापस जाएंगे फॉर्म के अंदर। अब ये फॉर्म हमारा पब्लिश हो चुका है और यहाँ पे हम फॉर्म्स के अंदर जाएंगे तो ये वाला फॉर्म वहाँ पे हमें शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखें, ये वाला फॉर्म पब्लिश्ड है, शो हो रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस गियर आइकन के ऊपर और यहाँ पे हम अगेन उस कोड को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी शॉर्ट कोड। तो ये मैंने शॉर्ट कोड कॉपी कर लिया, वापस गया अपनी वेबसाइट के अंदर। इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट कोड को शो करेंगे और ये वाला जो फॉर्म है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इस फॉर्म, इस शॉर्ट कोड को जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे ये वाला फॉर्म अपेयर हो जाएगा, राइट। तो अभी हमें ये कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर चाहिए, तो वहाँ पे हम इसको अपेयर करते हैं एलिमेंटर को यूज़ करते हुए। तो आप कोई भी बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेम ही आपको करना पड़ेगा, आपको कोड का विजिट मिल जाएगा। सिंपल आप कोड को पेस्ट करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये लोड हो चुका है एलिमेंटर। अब मुझे वहाँ पे ये जो फॉर्म है शो करवाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इस वाले सेक्शन को एक्चुअल में डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे जो ये वाली चीज़ें हैं इनको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने ये डिलीट कर दिए और ये वाले ऑप्शन भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ पे हम क्लिक सर्च करेंगे कोड पे और शॉर्ट कोड कुछ इस तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे वो शॉर्ट कोड ऐड कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वो फॉर्म कुछ इस तरह से शो हो गया। अब हम इस फॉर्म को ज़रा विजिट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास वो फॉर्म कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है और जो जो ऑप्शंस हमने वहाँ पे ऐड किए थे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। अब ज़रा हम इसकी थोड़ी सी अपीयरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। वापस चलेंगे इस फॉर्म के ऊपर और यहाँ पे इसको एडिट अगेन करेंगे और यहाँ पे अब हम ज़रा इसकी और सेटिंग्स करेंगे। तो सबसे पहली जो सेटिंग्स है वो है हमारे पास अपीयरेंस की, कि किस तरह के हमारा फॉर्म जो है उसका डिज़ाइन स्टाइल क्या होना चाहिए। तो ये इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे ज़्यादातर ये वाला स्टाइल पसंद है मटेरियल, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेआउट, तो इस तरह से इसकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। कलर्स पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबमिट बटन, ये वाला जो सबमिट का बटन है ये ब्लू है। इसका मुझे कोई भी कलर ऐड करना है तो यहाँ पे देखें उसका कलर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा कुछ इस तरह से, या फिर मैं ग्रीन बटन इस तरह से ऐड कर देता हूँ, राइट, जो कि हमारी वेबसाइट के साथ भी जा रहा है। तो इसी तरह होवर के ऊपर कौन सा कलर शो होना चाहिए उसका कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। और सिमिलरली, अच्छा यहाँ पे डबल हैश लग गया, ओके। सिमिलरली फोकस के ऊपर कौन सा कलर शो होना चाहिए उसका कोड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। फिर इसी तरह से फील्ड बेसिक्स हो गई, इनपुट एरिया हो गया, ठीक है, रेडियो बटन हो गए, चेक्ड वाले के जो कलर है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि जब भी कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट हो तो वो कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से सेटिंग्स की हैं, तो मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ क्या ये सेटिंग्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुई हैं हमारे फॉर्म के ऊपर या नहीं। तो मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ और यहाँ पे देखें अब स्टाइल जो है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं चेक करूँगा तो ग्रीन शो होगा और इसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट का बटन भी ग्रीन हो गया। इस तरह से यहाँ पे जैसे ये ब्लू लाइंस है इनकी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, कंटेनर, रिस्पांस, इन सब के कलर्स और सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रा बिहेवियर की, कि जब कोई शख्स इस फॉर्म को सबमिट करे तो क्या हो, उसके सामने एक मैसेज शो हो जाए। देखें यहाँ पे ये मैसेज है। अगर मैं इसको बिहेवियर को एडिट करना चाह रहा हूँ कि मैसेज के बजाय मैं इसको रिडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ किसी और URL के ऊपर, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर वो URL दे दूँगा कि जिसके ऊपर वो रिडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे वो मैं URL देके अप्लाई कर सकता हूँ। इसके साथ साथ ही कंडीशंस ऐड कर सकता हूँ कि कब हो कब ना हो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेथड, आपका पेज जब कोई सबमिट करे रीलोड होना चाहिए या रीलोड हुए बगैर ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाना चाहिए। तो ये सारी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी एडवांस ऑप्शंस हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंटली ईमेल नोटिफिकेशंस,
यहाँ पे देखें, आप जब भी कोई यूज़र सबमिट करेगा तो ईमेल्स किस उसके ऊपर जाएगी, किस ईमेल के ऊपर वो सारी डिटेल जो हैं वो जाएंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया ईमेल्स के अंदर, यहाँ पे मेरे पास एडमिन ईमेल्स आ गई, इसको मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अब वो ईमेल ऐड कर दूँगा, जो भी ईमेल पे वो डाटा मैं रिसीव करना चाह रहा हूँ, आपका क्लाइंट रिसीव करना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अभी कोई भी डमी ईमेल, राइट, कुछ इस तरह से, और इसको मैं ऐड कर दूँगा। तो ये इस तरह से हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और उसके बाद सिंपल हम इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से हमने एक सक्सेसफुली एक अच्छा सा फॉर्म बना लिया, अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया। आप लोगों को मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पे और चीज़ें भी बना सकते हैं, जिस तरह से पूल क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट क्विजेज़ के लिए, और क्विजेज़ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसी एक ही प्लगइन के साथ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। और इंटीग्रेशन आप ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के साथ यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जो पॉपुलर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे MailChimp हो गई, गूगल शीट हो गई और काफ़ी सारे, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं आप। काफ़ी सारे जो है पेरेंट्स प्री सेट कैप्चा, ठीक है, पेमेंट्स, इवन पेमेंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म्स के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, पूल क्रिएट करना चाहें, क्विजेस क्रिएट करना चाहें, एक ही प्लगइन से, वो भी फ्री है और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करते हैं अपना जो फॉर्म है उसको डायनामिक बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।